मैं हूं अमितेश, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। इस वक्त हम गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से विधायक और योगी सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत के कार्यालय में हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पार्टी से लगातार तमाम नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है, इसको आप किस क्रम में देखती हैं और बीजेपी को आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उस पर क्या असर पड़ेगा इनके जाने से? पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को मैं नमस्कार करती हूं। और जैसा कि आपने पूछा कि बीजेपी से लोग जो जा रहे हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया है, मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी केवल भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और इसमें कोई अगर जा रहा है दो चार लोग तो उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग जिस तरह पिछली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे, आने वाले जो 10 मार्च को रिजल्ट होगा उसमें भी आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जनता पुनः झूमकर वोट करेगी और पुनः हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जो ओबीसी के नेता हैं, दारा सिंह चौहान की बात की जाए, मौर्या जी की बात की जाए, ये सब लोग एक कॉमन आरोप लगा रहे हैं कि दलित शोषित समाज जो है उसकी अनदेखी की है सरकार ने, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो स्वयं से पूछें कि 5 साल वो कहाँ थे। 5 साल जब वो सत्ता में थे तब उन्हें ये बात उठानी चाहिए थी, कहनी चाहिए थी। आज जब प्रत्याशियों का चयन होने वाला था और जिसको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में संभवतः हमारा टिकट कट जाएगा, वो लोग जल्दी जल्दी अपना अपना पाला बदल लिए हैं। और जो आस्थावान लोग थे उनको टिकट मिले या न मिले वो दल की सेवा में लगे हुए हैं और लगे भी रहना चाहिए। योगी सरकार का जो आखिरी कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें आपको भी जिम्मेदारी दी गई सहकारिता विभाग का, आपको लगता है कि और पहले अगर इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी जाती तो शायद गाजीपुर के लिए आप और कुछ कर पाती, या फिर जो आप एक राजनेता के तौर पर आपके जहन में जो बातें रही होंगी शायद उसको जमीनी धरातल पर उतारने में आपको और सहूलियत होती? अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार में मुझे जगह मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ शीर्ष नेतृत्व का। और ज़्यादा समय मिला होता तो और ज़्यादा काम हुआ होता, लेकिन कम समय में ही जितना अवसर दिया गया, ये शीर्ष नेतृत्व है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार करना है कब नहीं, तो जो भी अवसर मिला उसमें अधिक से अधिक हमने अपने सहकारिता के लिए करने का काम किया। जैसे 5 करोड़ हमने बैंकिंग के लिए दिया, कुछ जो जर्जर सहकारी समितियां थी उनकी रंगाई पुताई का कार्य किया, एक ATM मोबाइल का भी हमने यहाँ पे शुभारम्भ किया ताकि उससे सहकारिता को और दृढ़ता मिले। तो जितना समय था उसमें अधिक से अधिक कार्य करने का कार्य किया गया और आने वाले दिनों में यदि अवसर मिलता है तो और अच्छा कार्य किया जाएगा। जहाँ तक चुनाव के बारे में देखा जाए, जो चुनावी विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह रहते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो ज़्यादातर जो प्राथमिक बात हो जाती है वो जात को देख करके, धर्म को देख करके वोट किया जाता है। अगर वर्तमान की सियासत में बात की जाए तो निषाद पार्टी निषादों की रहनुमा अपने को बता रही है, ओम प्रकाश राजभर जी ये दावा कर रहे हैं कि राजभर वोट उनके साथ है। इस तरह के दावे और जो चुनावी समीकरण है इसके बीच जो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग है वो कितना कारगर रहेगी और क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ सबका विश्वास इस मूल सिद्धांत पे कार्य कर रही है और उसने केवल किसी परिवारवाद या जातिवाद से ऊपर उठकर कार्य किया है देश के लिए, समाज के लिए। और एक जो आम जन होता है वो उसके समझ में ये आ गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी आम जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, महिलाओं के हित की बात करने वाली सरकार है। और इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर आम जन ने पुनः मन बना लिया है कि किसी भी जाति धर्म का होगा हमें भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना है। एक सियासी बयान आया है, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गाजीपुर के जहूराबाद से विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने एक बयान दिया है कि 10 मार्च को जब मतगणना होगी उसके बाद ये गाना बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में, इस बयान को आप कैसे देखती? देखिए, वो बयान अपना करते रहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में थे, कब सपा की बात करते हैं, कब भाजपा की बात करते हैं, कब भाजपा की बात करते हैं, ये वो समयानुसार अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन जनता जान चुकी है कि कौन समय समय पर अपना स्थान बदलता है और केवल अपने स्वार्थ के लिए स्थान बदलता है। भारतीय जनता पार्टी के
जो वर्कर हैं, जो सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एक जगह रहते हैं और अंत्योदय की बात करते हैं और अंत्योदय के लिए कार्य करते हैं। और इस बार पुनः उसी अंत्योदय को ध्यान में रखकर, अंत्योदय अर्थात अंतिम व्यक्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी के सभी सिपाही लगे हुए हैं और आने वाले 10 मार्च को उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेगा। हर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करते हैं, जब चुनाव आता है तो उनको लगता है कि इन कामों के आधार पर जो आवाम का वोट है उनके साथ जुड़ेगा। गाजीपुर सदर की बात की जाए तो आप लोगों के बीच अभी जनसंपर्क कर रही हैं, कौन से वो मुद्दे हैं या कौन से वो अचीवमेंट हैं, कौन सी उपलब्धियां हैं आपके कार्यकाल की जिसको लोगों के बीच आप प्राथमिकता पर साझा कर रहे हैं? देखिए, हमारे सदर विधानसभा में प्रारंभ से ही एक बड़ा मुद्दा बना था जब हम क्षेत्र में घूमा करते थे, पुराना कटान का। पुराना कटान पे हमने 12 करोड़ जियो ट्यूब का कार्य करवाया। बगल में ही शिव पूजन कटान है, वहाँ पर शिव पूजन धाम कटान पर हमने 11 करोड़ जियो ट्यूब का कार्य करवाया। हमारे क्षेत्र में मौनी बाबा एक धार्मिक स्थल है जहाँ पे हर साल मेला लगता है और वहाँ पर हमने 51 लाख पर्यटन विभाग से दिलवाया। इसके अलावा हमारे यहाँ करंडा क्षेत्र में हेड से टेल तक पानी नहीं जाता था और आज वहाँ पर हेड से टेल तक मैं पानी पहुँचा रही हूँ। साथ ही नहरों का पक्कीकरण भी करवाया गया और अब अपने क्षेत्र में कई जगहों पर हमने सामुदायिक भवन भी बनवाया अपने निधि से, ताकि लोग बहन बेटियों का उसमें शादी ब्याह कर सके या कोई सामूहिक कार्य कर सके। इसके अलावा धर्मवरपुर से चुचकपुर होते हुए सैदपुर तक जो मार्ग जाता है उसको हमने स्टेट हाईवे में स्वीकृत करवा लिया है, उसका टेंडर भी हो चुका है और उस पर जल्द ही काम लग रहा है। और इसके अलावा हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारे जनपद में ही मेडिकल कॉलेज, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक मील का पत्थर होगा, मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है और उसकी सुविधाएं अब जनता ले रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यहाँ के जो जनपद के हमारे लोग हैं उसका लाभ ले रहे हैं। जो पहले हम लोग 7 से 8 घंटे लग जाते थे लखनऊ पहुँचने में, अब हम 3.5 घंटे में ही लखनऊ पहुँच रहे हैं। और इस बहुत सी ऐसी सड़कों का जाल बिछा है हमारे क्षेत्र में। पहले हम लोग इसी जिन मुद्दों पे 2017 में सरकार बनाए तो उसमें एक मुद्दा ये भी था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, लेकिन आज विधानसभा में अच्छी सड़कों का जाल बिछा है और हमें अच्छी बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, महिलाओं के लिए अच्छा काम हुआ है। और इन सब चीज़ों को देख कर हमें लगता है कि पुनः जनता ने मन बनाया है कि कमल ही खिलाना है। जब 5 साल पहले आपको जनादेश यहाँ के स्थानीय लोगों ने दिया था तब एक जहन में बात रही होगी कि इन इन कामों को मुझे प्राथमिकता पर करना है। उस सूची में से बहुत सारे काम आपने किए होंगे, बहुत से रह गए होंगे, तो वो कौन से काम हैं जिनको कि आपको लगता है कि थोड़ा वक्त और रहता या थोड़ा सा और प्रतिकूल माहौल रहता तो उसको भी हम कर लेते तो शायद लोगों के बीच और ये सहज होता हमको अपनी उपलब्धियों को गिनाना। हमारे यहाँ सदर विधानसभा में एक नंदगंज चीनी मिल का मामला और दूसरा यूनिवर्सिटी का मामला, इसके लिए हमने प्रारंभ से ही प्रयास किया है लेकिन अब तक हो नहीं पाया है। और इसके लिए तब तक प्रयास किया जाएगा जब तक ये हो न पाए, क्योंकि ये हो न जाए, क्योंकि ये गाजीपुर के शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर और ज़बरदस्त प्रयास होगा और इस पर सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इन दो मुद्दों के अलावा वो कौन से मुद्दे हैं जिनको कि अगर जनादेश आपको मिलता है, एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल है कि जनादेश अगर मिलता है तो आपकी प्राथमिकता की सूची में वो काम शामिल रहेंगे? देखिए, अभी बहुत से ऐसे काम हैं जो हम लोगों के मन में है कि इन कामों को और अच्छे ढंग से करना चाहिए। जैसे कि अभी एक रोज़गार का जो सवाल है तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए लोकल स्तर पर कुछ रोज़गार हो, कुछ कुटीर उद्योग हो तो उनकी हाथ को मजबूती मिलेगा और उस क्षेत्र में हम लोग आने वाले समय में प्रयास करेंगे। हर नेता अपने स्तर पर भी सर्वे करते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्षेत्र के लोगों से पूछते हैं क्या माहौल है, कैसा समीकरण है। गाजीपुर के अगर 7 सीटों को लेकर के अगर बात की जाए तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, गाजीपुर में जो 7 विधानसभा सीटें हैं और पिछली बार जो सीटें रह गई थी, इस बार वो सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, कमल खिलेगा। और हम लोग पिछली बार 325 सीटों से कमल खिलाए थे लेकिन इस बार 325 सीटों से ज़्यादा पे कमल खिलेगा। एक थोड़ा सा मैं आपके राजनीतिक जीवन से हट करके एक सवाल लेना चाहूँगा। आपने बाल साहित्य पर आधारित कुछ पुस्तकें लिखी हैं, आपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर आप एक राजनेता नहीं होती तो साहित्य में अपना करियर बनाने पर आप फोकस करती,
काफी इस वक्त तो चुनाव का माहौल है, लेकिन इन सब के बीच क्या आपको लेखन के लिए समय निकल पाता है और अगली पुस्तक हम कम उम्मीद करें कि आपकी लोगों के बीच रहे? देखिए, साहित्य मेरा मूल स्वभाव है और साहित्य में मेरे स्वभाव में पूरी तरह से रचा बसा है, और जब तक मैं कुछ लिख ना लूँ एक साहित्यकार को संतुष्टि नहीं मिलती है। और 5-6 किताबें हमारी आ चुकी हैं और इस समय भी जब भी जो मन में भाव आते हैं, कभी समय मिलता है तो उसको मैं कलमबद्ध कर ही देती हूँ। अभी कुछ समय पहले ही हमने ये जो सियासी माहौल की आपने चर्चा कही कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस पर हमने 2 लाइन लिखा था ऐसे ही चलते चलते कि चाहे जाए स्वामी चाहे जाए दारा, 2022 में 10 मार्च को फिर लगेगा जय श्री राम का ही जयकारा। तो इस तरह की लाइनें चलते फिरते हम लोग लिखते हैं और समय मिले तो और अच्छी तरह से और गंभीर विषयों पे लिखा जाएगा। चलिए, ये पूरे राजनीतिक इंटरव्यू को हमने गैर राजनीतिक मसले पर समाप्त किया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर संगीता बलवंत, जिनसे हमने बातचीत की और गाजीपुर और प्रदेश की राजनीति पर उनके विचारों को जाना। ऐसे ही किसी राजनीतिक शख्सियत के साथ हम फिर बातचीत आपके लिए लेकर के आएंगे, तब तक आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।